मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास थर्ड, लेसन टू। और लेसन का नाम है ए विजिट टू जू, यानी कि चिड़ियाघर की सैर। विजिट का अर्थ होता है सैर और जू मीन चिड़ियाघर, ठीक है ना। अब हम इस आप पेज नंबर 3.6 निकाल लीजिए। और मैंने 3.6 के मीनिंग निकाल दिए कुछ अलग से, तो वो मैं आपको पढ़वा रही हूँ। और जो किताब की मीनिंग है लेसन टू के, वो आपको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में उतारना है, ठीक है। जू मीन चिड़ियाघर, एनिमल मीन जानवर, बर्ड मीन पक्षी, डिफरेंट मीन कई, काइंड मीन प्रकार, जियोलॉजिकल मीन जंतु विज्ञान, फेमस मीन प्रसिद्ध, बिग मीन बड़ा, वर्क मीन कार्य, वेंट मीन गए, पेरेंट्स मीन माता पिता, रॉयल मीन शेर, ग्रैंड मीन बड़ा, रॉयल मीन शाही, मंकी मीन बंदर, टाइगर मीन चीता, फनी मीन विचित्र, मिस च्यूस यानी कि शैतान, जंपिंग मीन कूदना, ब्रांच मीन शाखा, ट्री मीन पेड़, डिलाइट मीन रुचिकर, स्मॉल मीन छोटा, ब्लैक मीन काला, ट्रिक्स मीन खेल, काउच मीन खेला, एलिफेंट मीन हाथी, राइड मीन सवारी करना, और वेल मीन अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी है। अब आप पेज नंबर 3.6 पर आ जाइए और अपना लेसन स्टार्ट करते हैं हम। ए जू इज ए प्लेस, जू यानी कि चिड़ियाघर, प्लेस यानी कि स्थान, वेयर यानी कि कहाँ, वी सी, वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, एनिमल्स यानी जानवर, एंड मिस और, बर्ड्स मिस पक्षी, ऑफ मिस का, डिफरेंट मिस कई, काइंड मिस प्रकार, एट वन प्लेस एक स्थान पर। हमने कई प्रकार के पक्षी और जानवर देखे हैं, कहाँ पर देखे हैं, जू यानी कि चिड़ियाघर में, एक ही स्थान पर। ए जू एक मतलब एक चिड़ियाघर, इज ए द शॉर्ट यानी कि छोटा, फार्म यानी रूप ऑफ जियोलॉजिकल गार्डन यानी जंतु विज्ञान का एक छोटा सा रूप है ये। इन इंडिया भारत में वी हैव सच गार्डन, इसी प्रकार का भारत में गार्डन है मतलब बगीचा है, इस तरह का बगीचा पार्क है। इन मेनी बिग सिटीज यानी कि इस मेनी यानी कई बड़ी सिटियों में होते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे जैसी बड़ी सिटियों में ये छोटे छोटे से मतलब छोटे छोटे से रूप होते हैं जंतु विज्ञान के, ठीक है। द जू ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का जो चिड़ियाघर है इज वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली का जो चिड़ियाघर है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अब नीचे देखिए आप पैराग्राफ नंबर 2 में, इट यहाँ वाज था संडे यानी कि रविवार होता है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ यानी कि कल शनिवार था। आई हैड नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं था, नो वर्क का अर्थ होता है कोई काम नहीं। आई वेंट मैं गया, टू से टू यानी कि से, जू यानी कि चिड़ियाघर, विद यानी साथ, माय फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्तों के, एंड और पेरेंट्स यानी कि मैं कल कहाँ गया था, चिड़ियाघर गया था, किसके साथ में गया था, मेरे दोस्तों के और मेरे माता पिता के साथ में गया था। अब जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, 1 2 3, एक में तो चिंपैंजी है, दूसरे में शायद टाइगर है, और तीसरे में इसको क्या बोलते हैं, जेब्रा या कंगारू है, ठीक है ना। तो तीनों के नीचे जो हम नीचे से पढ़ते हैं, हम पिक्चर नीचे से पढ़ते हैं। द फर्स्ट एनिमल, पहला जानवर, वी सा, हमने देखा, आवाज है रोयन यानी कि वो क्या था, शेर था। ही लुक्ड, हमने वहां देख उससे देखा, वी उसको मतलब वी वेरी वेरी यानी बहुत, ग्रांड, ग्रांड मीन्स होता है बड़ा, एंड मीन्स और रॉयल मीन्स होता है शाही, वो बहुत बड़ा और शाही था। वी आल्सो, हम साइन देखते हैं सब टाइगर्स, और हमने उसके अपने कुछ टाइगर मीन्स होते चीते भी देखे। नीचे देखिए, देन जब वी मूव टुवार्ड मीन्स होता है जाना, और मतलब मूड यानी गति करना, जब वे जाते हैं, मंकी यानी मंकी जन होते हैं बंदर, एंड मीन्स और, बर्ड्स मीन्स पक्षी, जो पक्षी है वो, और जो मतलब बंदर है वो भागते हैं यानी मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं। द मंकीज वेयर वेरी फनी, वेयर फनी का अर्थ होता है बहुत विचित्र, वो जो बंदर थे बहुत विचित्र थे, एंड और मिस चूस यानी कि शैतान भी थे। दे वियर वे थे, जंपिंग कूद रहे थे, फ्रॉम वन ब्रांच यानी कि एक शाखा से, ऑफ द ट्री टू अनादर, एक शाखा से दूसरे पेड़ की ओर वो कूद रहे थे। इट वाज, यहाँ था एक ग्रेट डिलाइट, यहाँ बहुत रुचिकर यानी कि बहुत अच्छा रुचिकर, टू सी बर्ड्स, ये पक्षी को देखने में बड़ा रुचिकर लग रहा था। सम वियर, कुछ वहां पर वेरी बिग बड़े थे, इट वॉज ए ग्रेट डिलाइट यानी कि वे बहुत रुचिकर लग रहे थे, टू सी बर्ड्स यानी पक्षी को देखने में बहुत रुचिकर
लग रहे थे। सम वेयर वेरी बिग, कुछ तो उसमें बड़े थे। अदर दूसरे, वेयर स्मॉल, और कुछ उसमें दूसरे जो थे वो छोटे थे, कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। सम वेयर कुछ व्हाइट यानी कि सफेद थे, एंड और मेनी यानी कि कई ऑफ देम वे वेयर ब्लैक, और काले थे। कुछ वहां पर ब्लैक थे और कुछ काले थे, मतलब अजीब अजीब तरीके के पक्षी थे। आप पेज नंबर 3.7 पे आ जाइए और अब यहाँ से पढ़िए। इट वाज, यहाँ था ए एक फन यानी कि खेल। टू वाज देखने का, टू ट्रिक्स, ट्रिक्स मीन्स भी खेल होता है। द चिंपैंजी यानी चिंपैंजी को देखने का भी एक मजा अलग था। कंगारू वेयर, कंगारू वेयर थे रनिंग यानी कि दौड़ रहे थे। विथ यानी के साथ, डियर यानी कि उनके यंग वंस यानी कि जो कि छोटे बच्चे थे, इन डियर पाउस थैले को लेकर, है ना, उनके छोटे बच्चों को थैले में लेकर वो इधर से उधर दौड़ रहे थे। वी हेड एन एलिफेंट, वी यानी कि हम हेड एन एलिफेंट राइड टू, यानी कि हमने एलिफेंट की भी सवारी की। द टाइम पास्ट, जो समय था पास्ट यानी कि अच्छा बीता। इन द जू यानी कि चिड़ियाघर में, आवाज वेल यानी कि जो समय हमारे चिड़ियाघर में बहुत ज्यादा अच्छा बीता। तो ये उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ में जो गया था उसने अपनी पूरी दिनचर्या बताया कि संडे के रोज वो घूमने गए थे, उन्होंने ये चीज देखी थी। उसके बाद आप इसमें शब्दार्थ कर लीजिएगा। फिर ए में देखिए, ए जू इज द शॉर्ट फॉर्म यानी कि चिड़ियाघर का छोटा रूप क्या है, जियोलॉजिकल गार्डन यानी कि जंतु विज्ञान, इसका छोटा छोटी छोटी शाखाएं हैं। तो जो बी वाला है ना इसको टिक करेक्ट कर लेना। जू इज फाउंड इन मेनी, जू में कई प्रकार के क्या होते हैं, बिग भी होते हैं और बिग सिटी भी होते हैं, स्मॉल सिटी भी होते हैं। दोनों में से जो सी वाला है, सॉरी बी जो है, ए जो है बिग सिटीज, उसमें आप टिक कर लेना। तीसरा देखिए, लोयन लुक्ड वेरी, लोयन लुक यानी दिखा, वेरी यानी बहुत, क्या था लोयन, ग्रांड भी था और एक और क्या था, रॉयल भी था। दोनों में से जो सी वाला है ना, बोथ ऑफ दिस दोनों आएगा। चौथा देखिए, मंकीज वेयर वेरी, मंकी थे बहुत ज्यादा क्या थे, फनी भी थे, विचित्र भी थे और शैतान भी थे। तो दोनों आ जाएगा, सी वाला इसमें राइट कर लेना। फिर इसके ट्रू फॉल्स है और इसके जो खाली स्थान वगैरह जो भी कुछ है मैं इसको आप भेज दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोग अपना अपना वर्क पूरा कीजिएगा और मैंने आपको लेसन समझा दिया, लेसन अच्छे से कम्प्लीट कर लीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स।